हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, इस वीडियो के अंदर वीडियो 1, 2, 3 के बेस्ड पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आरडी एग्जाम्पलर प्रीवियस सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो प्लीज़ मेरे साथ साथ उनको देखना और 2-3 नए कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। ऑलराइट, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो वीडियो नंबर 4, ठीक है। देखिए, वीडियो नंबर 3 के एंड में जाते जाते मैंने आपको साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले बताए थे। एक्चुअली इनका नाम होता है डबल एंगल फॉर्मूला। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये नाम मैंने इसलिए रखे हुए हैं ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। जब भी मैं आपसे बोलूँ डबल एंगल तो आपके माइंड में ये पिक्चर आ जाए, ठीक है। अगर मैं ये नाम नहीं रखूंगा तो सारे फॉर्मूले मिक्स हो जाएंगे, तो फॉर द ईज ऑफ लर्निंग मैंने इनको नाम दिए हुए हैं, राइट। देखिए, साइन 2 थीटा, यहाँ पर देखो डबल एंगल है, 2 थीटा, 4 थीटा भी हो सकता है, 6 थीटा भी हो सकता है, खाली थीटा भी हो सकता है। तो देखिए किस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है, तो 2 sin थीटा और cos थीटा, इसका हमने यूज भी किया था। नोटिस करने वाली बात, एंगल देखो यहां पर थीटा बन गया, थीटा बन गया, आगे 2 ही आएगा। अगर यहां होता sin 4 थीटा तो ये बनता 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, अगर यहां होता sin 6 थीटा तो ये बनता 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा, आगे 2 ही आएगा। अगर ये होता sin थीटा सिर्फ तो 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला बच्चों और भी होता है, 2 tan θ / 1 tan²θ, ये भी इसका फॉर्मूला। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में यूज होगा, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यूज करेंगे तब ये यूज होगा। ओके गाइस, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ये वाइस वर्सा यूज होते हैं। ऐसा अगर हुआ तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसा अगर हुआ तो ऐसा भी, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इनको देखेंगे। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले भी हमने देखे थे, तो एक होता है cos²θ - sin²θ, इसी से एक बन जाता है 2 cos²θ - 1। कैसे बनाइए, देखो साइन स्क्वायर को खोल दो ब्रैकेट में रख के, 1 - cos², तो जब माइनस खोलेगा ब्रैकेट अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी लाइक दिस। एक और देखो, 1 - 2 sin²θ, ये भी बच्चे इसी से बना है, ठीक है, तो ये तो हो गए 3। एक और देखो इसका, 1 - tan²θ / 1 tan²θ, एक फॉर्मूला देखो ये भी होता है। ऑलराइट, तो cos 2θ का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एक ये भी है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 4 के 4। ये वाइस वर्सा यूज होते हैं, ये वाला फॉर्मूला एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है tan 2θ, इसका फॉर्मूला है 2 tan θ / 1 - tan²θ। ये मेरे साथ साथ ना आप लिख लिया करो, जैसे मैंने ये लिखा, आपने वीडियो कर दो पॉज, पहले से लिख लो फिर आगे वीडियो रिज्यूम करो, ठीक है। तो देखो साइन और कॉस 10 का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां प्लस है और यहां पर माइनस है, तो इनके यूज अब हम देखेंगे। इससे पहले एक ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी देख लो आप लोग। हां जी, अब आता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो पहला है साइन 3θ, देखो 3θ ट्रिपल इज इक्वल टू 3 sin θ - 4 sin³θ, याद रखना 3 sin θ - 4 sin³θ, ठीक है। कॉस 3θ का भी होता है 4 cos³θ - 3 cos θ, याद रखने का तरीका सिंपल है कि जहां साइन क्यूब है या कॉस क्यूब है उसके साथ 4 होगा, ठीक है, तो याद करने का सिंपल तरीका। और tan 3θ का होता है 3 tan θ - tan³θ / 1 - 3 tan²θ, यहां क्यूब है या स्क्वायर है, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले 12th क्लास में तो बहुत यूज होते हैं, बाकी 11th में एनसीईआरटी के अंदर यूज तो होते ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ना इसका उल्टा यूज होता है। उल्टा इन द सेंस, जैसे मान लो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, तो इससे साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लेता है। कैसे निकालता है, इसको उठा के इधर ले आता है ये, तो प्लस का हो जाएगा, इसको उठा के उधर तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कुछ ऐसा हो जाएगा 4 sin³θ, क्योंकि ये इधर आया तो प्लस का, 3 sin θ माइनस ये उधर गया तो sin³θ, और ये 4 जो है ना 4 यहां से हटेगा और यहां अपॉन में आ जाएगा, तो देखो ये sin³θ का फॉर्मूला बन गया, 3 sin θ - sin³θ / 4। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है और 12th में तो यूज होता ही होता है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल 11th के लिए ये याद रखें, और इनका डेरिवेशन मतलब जो डिराइव होकर नया फॉर्मूला आया है इसे भी आप देखें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं गाइस अब इसके ऊपर। तो स्टूडेंट, आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, sin²- sin² आंसर ये लाना है, ये cos²- cos² आंसर ये लाना है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग है। यहाँ पे देखो माइनस है, साइन और कॉस अलग अलग है, तो आपको साइन 2θ और कॉस 2θ के फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे ऑटोमेटिक।
ये क्वेश्चन वही है जो हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में सीडी फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो सीडी फॉर्मूला और डबल एंगल फॉर्मूला का मिक्स, मतलब वो वाली वीडियो थोड़ी सी अभी कंटिन्यू हो रही है। तो इन दोनों में से मैं आपको एक बताता हूं, तो मैं ये बताता हूं क्वेश्चन नंबर टू। ओके, आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। भाई हर बच्चे को मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये तो आपको 10th में ही पता था। एक बार माइनस में लिख दो, ठीक है बच्चों, और एक बार प्लस में लिख दो। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लगाओ सी डी फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी, मालूम है ना माइनस है, तो माइनस का 2, साइन दोनों को ऐड करके आधा, 2 और 6 8 का हाफ 4, फिर साइन आएगा दोनों को लेस करके हाफ, 2 में से 6 लेस हुआ तो -4 का आधा -2x, ठीक है। ऑर्डर बड़ा ध्यान रखा जाए प्लस माइनस का। यहां भी लगाओ कॉस कॉस, सी डी फॉर्मूला प्लस है बीच में, 2 cos दोनों को ऐड करके हाफ, 2 और 6 8 का हाफ कितना आएगा 4, ठीक है। फिर कॉस आएगा, 2 में से 6 लेस हुआ, -4 का हाफ कितना आएगा -2। देखो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो नेचुरली आपको प्रॉब्लम होगी, कहीं भी अगर समझ आना बंद हो जाए तो अपने अंदर झांक के देखना क्या मुझे फॉर्मूले याद हैं। अगर जवाब मिले हाँ तो कोई ना कोई टेक्निकल दिक्कत है, और जवाब मिले ना तो समझ लो आपके अंदर कमी है, राइट। देखो साइन के अंदर जब माइनस होता था एंगल, तो आपको याद है ना ये माइनस बाहर आता है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 sin 4x एंड sin 2x, सारे मल्टीप्लाई में, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में। कॉस के अंदर माइनस है, कॉस के अंदर माइनस डाइजेस्ट हो जाता है, याद है आपको, खत्म हो जाता है ये, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, रीजन भी मैंने बताया था, ये सारे मल्टीप्लाई में। अब 2 2 4 मत करना, यहां बनाओ पेयरिंग, पेयरिंग मतलब सेम सेम एंगल साथ में, तो देख लो 2 sin 4x इसके पास दे दो cos 4x, सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इनटू 2 sin 2x और इसके पास दे दो cos 2x। देखो अभी भी तो मल्टीप्लाई में, अरे ए बी सी डी बोलो मल्टीपल में, या डी बी सी ए बोलो या सी डी बी ए बोलो, बात तो एक है यार। तो मैंने 4 और 4 वालों को साथ में लिखा, देखो ये एक फॉर्मूला बना, इसको ब्रैकेट में रख दो, और sin 2x और cos 2x को साथ में रखा, ये एक बना। अब याद करो, मैं यहां कर रहा हूं सॉल्व इसे, याद करो डबल एंगल फॉर्मूला sin 2 थीटा का फॉर्मूला, मैं यहां लिख देता हूं sin 2 थीटा, आपने याद किया था 2 sin θ cos θ, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाइस वर्सा भी लग सकता है, यानी ऐसा है तो ऐसा बना दो, और अगर ऐसा है तो उसे इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, लाइक 2 sin θ cos θ sin 2 थीटा। एंगल थीटा है तो 2 थीटा, एंगल 5 थीटा है तो यहाँ 10 थीटा हो जाएगा, एंगल 4 थीटा है तो 8 थीटा हो जाए, ठीक है। तो देखो 2 sin 4x cos 4x ये बन जाएगा sin 8x, है ना, एंगल देखो 4 4 डबल हो जाएगा 8, तो ये पूरा बंद होके इतना बन गया, फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में लगा। और 2 sin 2x cos 2x ये बंद होके बन जाएगा कितना, sin 4x। देखो जी आपका आंसर आ चुका है, दिस इज द रिजल्ट, ये रहा sin 4 sin 8 sin 4 sin 8, आगे पीछे लेकिन मल्टीप्लाई में, तो दिस इज राइट हैंड साइड, आया समझ। तो याद रखना डबल एंगल फॉर्मूला उल्टा लग गया है, ठीक है। फिर सुन लो, 2 sin θ ये है, cos थीटा ये है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा sin 2θ, थीटा 4x है तो 2 4x यानी 8x, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, आप प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करें, मैं जब तक ये बताता हूं जी। थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आई एम टेकिंग राइट। देखो ऊपर तो सिंपल है, साइन माइनस साइन सी डी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं है ना, तो नॉर्मल चीज है। तो लगाओ ये सी है और ये डी है, माइनस बीच में लगाओ, 2 cos c + d/2, यानी एक्स और 3x को ऐड करो 4x और आधा 2x हो जाएगा। अब लगेगा साइन, ठीक है, x में से 3x गया, -2x आधा -x हो जाएगा उसका। और नीचे देखो सी डी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइन है और ये कॉस है और वैसे भी माइनस है। अगर मैं इसे दो बार खोल दू, एक बार माइनस एक बार प्लस, लाइक ऐसे sin x - cos x और sin x + cos x, तब भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसका सी डी फॉर्मूला है ही नहीं। भाई सी डी फॉर्मूला तो साइन साइन में होता है या कॉस कॉस में होता है, तो यानी ये वाली बात हमें फंसा रही है। ध्यान से देखो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर याद हो तो यहाँ कॉस होना चाहिए और ये साइन होना चाहिए, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखो ये वाला, अगर याद नहीं है तो। मैंने बताया था ना पिछली बार अभी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी अभी बताया, जस्ट कॉस 2 थीटा ऐसा होता है, या ऐसा हो तो ऐसा बना सकते हैं, तो सिचुएशन तो वही है लेकिन आगे पीछे हो रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। देखो जी ऐसा हो गया, आगे बढ़ो इम्प्लाइज करके, साइन के अंदर माइनस बंद है तो ये माइनस बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर ले आओ, कॉस 2x
ये साइन एक्स, ये माइनस देखो बाहर यहां आ गया, सबके बाहर आ जाएगा मल्टीपल में सारे, ये माइनस एज इट इज। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस टू एक्स। क्यों? अभी अभी आपने देखा है ऐसा हो तो ऐसा बन जाएगा, और माइनस बोल रहा है मुझे तो उड़ा दो, कॉस टू एक्स कह रहा है मुझे भी उड़ा दो, बचा क्या? टू साइन एक्स। अरे यही तो आंसर है, देखो ये रहा, ठीक है। तो डबल एंगल और सी डी फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे ये जी। दो क्वेश्चन और आ गए आपके सामने। कॉस फोर एक्स इज इक्वल टू, ये लेके आना है वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो याद करो आपके पास कॉस टू थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले थे, कॉस टू थीटा ये भी था एक फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एक ये भी था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक ये भी था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसे थे। और एक टेन वाला भी था, टेन वाले का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि टेन तो चाहिए नहीं। तो सोचो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली कॉस फोर एक्स, और आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको ऐसा कुछ चाहिए वन माइनस समथिंग। तो सोचो इसमें कोई फॉर्मूला है ऐसा जो वन माइनस समथिंग को फॉलो कर रहा हो, ये वाला, है ना, वन माइनस, चलो इतना तो है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो माइंड में क्लिक कर जाएगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, तो फॉर्मूला याद होगा तो पता चलेगा, याद नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। मतलब लिंक बनाना है, लिंक बनाना है, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला कुछ कुछ इससे पैटर्न से मैच हो रहा है, चलो कुछ तो लगाओ। तो कॉस फोर एक्स लगाओ जी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर, और एंगल फोर एक्स है तो आधा हो जाएगा इसका टू एक्स, क्योंकि डबल एंगल में जो भी यहां एंगल लिखा होता है वो हाफ हो जाता है। टू थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई टू, और फोर एक्स है तो टू एक्स हो गया। अब हम फिर यहां पर फंस गए, हमें चाहिए ऐसा कुछ साइन कॉस, हमारा खाली साइन आया है। तो जरा सोचो कोई और फॉर्मूला है साइन टू एक्स का जिससे साइन कॉस बनाया जा सके। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपने याद किया था, टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो यानी देखो इसका लिंक बन रहा है कि साइन टू एक्स, यहाँ टू थीटा तो थीटा थीटा, टू एक्स तो एक्स एक्स, तो बनाओ जी। तो बड़े आराम से देखो साइन टू एक्स का फॉर्मूला, टू साइन एक्स और कॉस एक्स, ये लग गया स्क्वायर, जिंदाबाद। ये स्क्वायर ऊपर देखो जिंदा है। अब आराम से करो वन माइनस टू, ये स्क्वायर जब अंदर आएगा तो फोर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और आई थिंक यू गॉट द रिजल्ट। वन माइनस टू फोर जा एट, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो आपका आंसर है, ठीक है। ये सिक्स थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं यहां पर, और देखो दिस इज योर आंसर। तो गाइस फॉर्मूला का देख लो कितना रोल है। कल को अगर मैं फॉर्मूले भूल जाऊंगा तो मुझसे भी क्वेश्चन नहीं होंगे। इसका मतलब आप अपने दिमाग में ये कहीं ना कहीं सेट कर लो कि फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं है। देखो जब लड़ाई में जाओगे, वॉर में जाओगे, तो यू नीड वेपन, राइट। तो फॉर्मूला आर वेपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है और मुझे ये लेके आना है कॉस 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 कॉस। तो जरा सोचो कॉस का कोई फॉर्मूला है जिसमें कॉस 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 आता हो, एंड में वन आता हो। देखो ये रे कॉस के फॉर्मूले, तो ये वाला फॉर्मूला है देखो, है ना। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला फिट हो जाएगा, तो याद होना चाहिए ना आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड तो लगाओ इसका फॉर्मूला, टू कॉस स्क्वायर एंगल जो भी है सिक्स एक्स, तो आधा हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन। चलो जी यहां तक तो हम पहुंच गए। अब आगे देखो बन गया कॉस थ्री एक्स टू। तो कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला आपने याद किया था ना पीछे, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, तो लगा दो। क्या होता है? फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, और ये जो स्क्वायर है ये ऊपर जिंदा यहां पर देखो बैठा हुआ है आराम से। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई लॉजिक नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा तो 16, और कॉस की पावर 6 हो जाएगा। पावर की जब भी पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 2 ए बी यानी 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 4 8 3 24, और कॉस 3 की कॉस में होगी तो कॉस की 4 पावर ऐड हो जाती है ना, कॉस की पावर 3 है, यहाँ कॉस की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मल्टीप्लाई होगी तो कॉस की 3 इंटू कॉस की 1 पावर ऐड होकर 4 हो जाएगा, दिस इज माइनस 1। आपका आंसर आ चुका है भाई साहब, थोड़ा सा अरेंज होगा बस, 2 की इसमें होगी तो 32 कॉस की 6 एक्स, ठीक है, 2 की इसमें होगी तो 18 कॉस स्क्वायर एक्स, ऑल राइट, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 48 कॉस रेज टू पावर 4 माइनस 1, दिस इज योर रिजल्ट। आगे पीछे हो रहे हैं थोड़ा सा मैनेज, एक स्टेप के बाद पहले ये फिर ये लिख देना फिर ये, तो आपका परफेक्ट आंसर है। यहां भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डबल एंगल ट्रिपल एंगल का देखो कॉम्बिनेशन था ये दोनों का जी। गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेन फोर एक्स इज इक्वल टू, ये आपको लेके आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेन फोर एक्स हमने लिया, तो जरा सोचो टेन का कोई फॉर्मूला है जिसमें टेन टेन आता हो। तो टेन के दो फॉर्मूले, एक डबल एंगल और एक ट्रिपल एंगल। तो डबल एंगल लगाओ क्योंकि यहाँ फोर एक्स है, तो लगाओ टेन डबल एंगल फॉर्मूला, तो वो था टू टेन, अगर आपको याद हो, एंगल जो भी है वो हाफ हो जाता है, टू एक्स अपॉन वन माइनस
टेन स्क्वायर और जो भी एंगल है वो हाफ हाफ हो जाता है। देखो जी ये लग गया फॉर्मूला भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये तो फॉर्मूला है बेटा टेन टू थीटा का। यहां लिख के दिखा दूं क्या, टेन टू थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला है। देखो ये फोर एक्स था, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप देखो, देख रहे हो ये दोबारा से टेन टू एक्स की फॉर्म में आ गया, ये भी देखो टेन टू एक्स की फॉर्म में आ गया, ऊपर इसके स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है वो तो ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्वेश्चन टेन टू एक्स में आ गया, लेकिन आंसर हमें चाहिए एक्स जब तक एंगल ना बने एक्स, और यहां पे एंगल अभी टू एक्स है। तो एक बार और लगा दो फॉर्मूला, यानी एक क्वेश्चन में कितना फॉर्मूला कितनी बार भी लग सकता है। तो टेन टू थीटा का दोबारा लगाओ, बड़ी सावधानी से लगाना, ठीक है। देखो ये अपॉन है, ये टू एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट पूरा लगाओ। टेन टू एक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस ये बनेगा टू टेन एक्स, ठीक है, अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर और एक्स। देखो एंगल फोर था, फॉर्मूला बना तो टू एक्स हो गया, एंगल टू एक्स था, फॉर्मूला बना तो एक्स हो गया, जो भी एंगल है हाफ होता चला जाएगा। वन माइनस ये देखो ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहां पर लग गया। टेन टू एक्स का फिर लगाओ बच्चों, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ाओ से इम्प्लाइज करके बड़े आराम से सॉफ्ट तरीके से। टू टू जा फोर हो गया, ये कितना है टेन एक्स, अपॉन वाले को कुछ मत कहो, ये ऐसे ही बैठा हुआ है शांति से, होल अपॉन, ये हो गया जी वन माइनस स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा फोर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, ब्रैकेट मेंटेन रखो, और स्क्वायर इस पूरे के ऊपर आएगा तो ये ऐसे ही रहेगा। भाई यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं, हाँ जी बच्चा पार्टी। तो अगला स्टेप इसके अपॉन वन मान लो, और एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी इसमें, इन दोनों के आपस में, ऊपर वाले को मत छेड़ो। तो फोर टेन एक्स तो ऊपर अपना शांत बैठा हुआ है, कह रहा है मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं, आई एम ओके, चलो जी तू ओके ही रहे। यहां ले जाओ भाई इसकी इसमें होगी तो यह आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये फोर टेन स्क्वायर एक्स, ऑल राइट, होल अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लगातार चार चीजें अपॉन में आ चुकी हैं, ठीक है। अगला स्टेप आपको ये बात मालूम है ना, लगातार जब वन टू थ्री फोर चार चीजें होती हैं तो ऊपर वाली चीज जैसी है वैसी रहेगी, यानी फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स विल रिमेन एज इट इज, ब्रैकेट का ध्यान रखें, इन टू, और नीचे वाला हिस्सा ना पूरा रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये तो पहुंच गया ऊपर, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाले को खोल दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो ओपन करो, ब्रैकेट बड़े ध्यान से लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पावर फोर हो जाएगी, माइनस टू ए बी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये माइनस का फोर टेन स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, चल भाई हट जा तू, फोर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो मेरा आंसर अब आने वाला है, बस देखो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट साफ हो गया, क्योंकि ये पावर टू है और ये पावर वन है, ठीक है। तो देखो आई गॉट द रिजल्ट, मैं इधर लिख देता हूं रिजल्ट, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है, ऊपर बचा फोर टेन एक्स, ऑल राइट, और वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऑल राइट, ठीक है, ये हटा दो, यहां कुछ नहीं बचा, ये बचा वन, ओके। देखो टू और फोर, माइनस का टू और माइनस का फोर, माइनस का सिक्स हो गया है ना, और प्लस का टेन फोर, लो जी आंसर आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो वही आंसर आया जो हमें लाना था, ओके गाइस। तो इसको वीडियो को अभी आगे मत बढ़ाओ, पहले इस क्वेश्चन को खुद कर लो फिर आगे बढ़ाना वीडियो। हाँ जी बच्चों, अब आपके सामने आ गए मिक्स्ड क्वेश्चंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रीवियस वीडियो के ऊपर बेस्ड है, ओके। तो देखो हमने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था ना, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखो अगर मैं टू साइन स्क्वायर को इधर ले आऊं और इसको उधर ले जाऊं, तो टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस कॉस टू थीटा रखा जा सकता है, या फिर अगर कहीं ऐसा बने वन माइनस कॉस टू थीटा तो इसकी जगह टू साइन स्क्वायर थीटा आ सकता है। नोटिस करने वाली बात, टू थीटा है तो थीटा हो जाएगा, तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया, ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा बनाया जा सकता है। ऐसे ही फर्दर साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू, ये टू अपॉन में भेजा जा सकता है। तो कॉस टू थीटा का साइन वाला यूज हुआ तो ये दो फॉर्मूले आए निकल के, ऐसे ही कॉस टू थीटा का कॉस वाला होगा यूज तो ये दो निकल के आएंगे, वन प्लस कॉस टू थीटा से ये बन जाएगा और कॉस स्क्वायर यहां, तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला तो वही है देखो, लेकिन फॉर्मूले से भी आगे उसी के अंदर से चीजें निकाली जा रही हैं और उन्हें यूज किया जा रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए और ये सब निकालना आना चाहिए, अगर आपको नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है।
तो जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, उतनी जल्दी ट्रिक को ईजी लगेगी। ओके, तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ये लेके आना, एग्जाम में आ चुका है कई बार, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, एग्जाम्पलर का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो गाइस देखो, सेक में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो पहले से कॉस में कन्वर्ट करो सेक को। सेक को बोल सकते हैं 1/cos 8θ - 1, ब्रैकेट लगाए रखना, और सेक को 1/cos 4θ - 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम वगैरह आप ले लो, upon 1 upon 1, इसकी इसमें, तो ये बनेगा 1 - cos 8θ upon cos 8θ, ब्रैकेट इंटेक्ट रखें अपना, और ये आएगा 1 - cos 4θ और cos 4θ। चलो जी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, यहां कर लेते हैं क्वेश्चन। देख रहे हो, चार चीजें लगातार अपॉन में, तो जब चार चीजें लगातार अपॉन में होती है तो पहली ऊपर वाली चीज रिमेन एज इट इज है ना, और जो नीचे वाली चीज है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इट बिकम्स cos 4θ upon 1 - cos 4θ। भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आने के बाद हमें कुछ दिख रहा है, 1 - cos 8θ है कुछ, ये रहा 1 - cos 2θ, तो यहां पे जो भी है ना, 2θ 8θ 10θ कुछ भी होगा, वो तो जब ये रिलेशन ऐसा बनेगा तो एंगल विल बिकम हाफ, तो 1 - cos 8θ का बन जाएगा 2 sin² एंगल 8 है तो 4θ, और साथ में ये cos 4θ जिंदाबाद, ये तो अभी अलाइव है, ये बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम। 1 - cos 4θ का फॉर्मूला 2 sin² 2θ, ठीक है जी, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। आगे देखते हैं, अब देखो हमें आंसर चाहिए 10 8θ, और यहां पर सिचुएशन क्या है, 2 sin cos, ध्यान से देखो, याद करो sin 2θ का फॉर्मूला, sin 2θ का फॉर्मूला, डबल एंगल 2 sin θ cos θ, ये था, ऐसा हो तो ऐसा बनाओ और ऐसा हो तो ऐसा बनाओ, है ना, फॉर्मूले आपको जबरदस्त तरीके से याद होने चाहिए गाइस, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 2 ये साइन का 4θ और ये कॉस 4θ इधर है, ये तो बन गया एक पेयर, यहां पे साइन स्क्वायर था तो एक साइन बच गया, उसे कर दो साइड में, देखो ऐसे करके, अरे बात तो एक है बेटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर वही बन जाएगा, और नीचे कुछ मत छेड़ो, नीचे क्या है cos 8θ, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 है, ये साइन स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई परेशानी नहीं। आगे देखते हैं बेटा, 2 sin cos, ये तो ये रहा 2 sin cos, तो साइन 2θ, तो 2 sin 4θ cos 4θ क्या बन जाएगा, sin 8θ, एंगल जो भी है वो डबल हो जाता है, रिवर्स लगता है तो डबल, ठीक है। साइन 4θ एज इट इज, नो प्रॉब्लम, अपॉन में क्या है cos 8θ और 2 sin² 2θ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बड़े आराम से फिर देख लो। पहले मैंने सेक को 1/cos में खोला, सबका एलसीएम लिया, चार चीजें लगातार अपॉन में, ये एज इट इज, इसको पलट दिया, ठीक है, 1 - cos का फॉर्मूला 2 sin² θ, ये वाला, इससे ऐसे बन गया, 1 - cos का फॉर्मूला 2 sin² θ, जो भी एंगल था हाफ हो जाता है, इससे ऐसे बन गया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक साइन और एक कॉस लेके पेयर बना दिया, ये वाला साइन का जो एक पार्ट था वो अलग लिख दिया, और नीचे कोई चेंज नहीं, 2 sin 4θ cos 4θ बन गया sin 8θ, राइट। अब आगे देखते हैं, तो बच्चों जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। देखो sin 8θ और cos 8θ, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 10 8θ, ये तो चलो बात बन गई, ऊपर एक साइन 4θ जिंदा बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 2 sin² 2θ, यहां पर आके बात फंस गई, एक तो बन गया 10 8θ, तो बन गया 10 2θ और चाहिए, तो 10 2θ, यहां पर 2θ है, यहां 4θ, यानी ये हमारा कल्प्रेट है, इसको डील करो, तो साइन 4θ, तो ये फॉर्मूला लगाओ इस तरह से, डबल एंगल फॉर्मूला, तो बेटा दिमाग का दही हो जाएगा, लेकिन कसम से अगर आपको ये आ गया तो यू आर द विनर, यू आर द चैंप। साइन 4θ का फॉर्मूला 2 sin 2θ cos 2θ, उल्टा लगा दिया, मतलब सीधा लगा दिया, इसको इस तरह से बनाया, जो भी एंगल है वो हाफ हो गया, ठीक है। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे बेटा फॉर्मूले को रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही तो पता चल रहा है, यहां पर देखो ना रिक्वायरमेंट क्या है, यहां साइन 4θ तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हमने ऐसे 2 sin 2θ cos 2θ में खोल दिया। देखो इस 2 से ये 2 गया, साइन 2 से 1 गया, है ना, तो ये हो गया आपका 10 8θ इंटू, देखो कॉस अपॉन साइन, एक साइन जिंदा है, कभी दोनों को ही मार दो, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन था, तो एक कटा एक बचा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, ठीक है जी। अब तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जंग जीत गए हम, 10 8θ, और कॉट को अपॉन में ले आओ, तो आपको मालूम है ना वन अप कॉट को 10 बनाते हैं, तो 1/10, लो जी आ गया आंसर, तो दिस वॉज योर आंसर, ये आंसर है आपका।
ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो डबल एंगल लगा, कॉस के साइन के उनका मिक्स लगा, रिवर्स लगा। तो जितना आप इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे आपको सोचना आ जाएगा, हाउ टू थिंक। मैथमेटिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू थिंक। तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। हाँ जी स्टूडेंट, तो देखो आपके सामने तीन क्वेश्चन और आ गए। अभी अभी आपने देखा था कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, ये आपको याद था डबल एंगल फॉर्मूला, इन्हीं दोनों से ये बन के आए हैं। वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर माइनस है तो साइन आ जाएगा, प्लस है तो कॉस आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले नए नहीं बने, इन्हीं से बने, लेकिन आपको याद होने चाहिए। फिर आगे भी बन जाएगा इससे साइन स्क्वायर थीटा का टू अपॉन में आगे, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। तो देखो इसके ऊपर तीन न्यूमेरिकल आपके सामने है, ठीक है। तो हम करते हैं पहला वाला स्टार्ट। तो अंडर रूट सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं। ओके, अंडर रूट राइट, टू प्लस अंडर रूट, देख रहे हो यहां पे टू टू है, तो टू ले लो कॉमन, अंदर बचा वन प्लस कॉस फोर एक्स, ठीक है जी। अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू इन टू, क्योंकि ब्रैकेट है, या इन टू मत लिखो, ब्रैकेट लगा दो। वन प्लस कॉस फोर एक्स, ये रहा फॉर्मूला। वन प्लस कॉस, माइनस है तो साइन बनेगा, और अगर वन प्लस है तो कॉस बनेगा। तो वन प्लस कॉस, वन प्लस कॉस फॉर्मूला, टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका बनेगा टू कॉस स्क्वायर, और जो भी देखो एंगल है इसका आधा हो जाएगा टू एक्स। तो ऐसे बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है गाइस। याद रखना फॉर्मूला फॉर्मूला विल मेक यू स्ट्रांग। ये आ गया टू टू जा फोर और ये कॉस स्क्वायर, तो टू टू जा फोर और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो टू कॉस टू एक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए बड़े आराम से, धीरे धीरे स्लो मोशन में। फिर देखो टू टू दोनों में, तो टू फिर कॉमन ले लो, अंदर बचा वन प्लस कॉस टू एक्स, ऑल राइट नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर बढ़ो आगे टू एज इट इज, हाँ जी गाइज, वन प्लस कॉस टू एक्स, दोबारा यही वाला फॉर्मूला। तो वन प्लस कॉस है तो क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर, एंगल जो भी है इसका हाफ कॉस एक्स। अगेन देखो टू टू जा फोर और ये कॉस स्क्वायर, दोनों बाहर निकलेंगे टू कॉस एक्स। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो सकता था, जैसे देखो अगले में तीन तीन रूट हैं तो ये और स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन हर स्टेप में सेम बात लग रही है। अगर चार बार रूट होता रूट 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 तो भी हो जाता। तो प्लस प्लस है तो प्लस वाला लग जाएगा, माइनस है तो साइन वाला लग जाएगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है जरूर, या तो दो नंबर या चार नंबर, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों आपके सामने तीन क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर लाना ये है, अंदर ए है ए है ए है, एक्स भी हो सकता है, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, एक्स थीटा थीटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन देखो साइन साइन के अंदर भी है, आंसर देखो सबका सेम आ रहा है, कॉस कॉस के अंदर भी आंसर सेम है। अब बहुत सारे सोचेंगे सर ये तो सेम है, सेम नहीं है, ये पाई बाई थ्री या टू पाई बाई थ्री है। तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला वही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू। ये सारे फॉर्मूले बने किससे, कॉस टू थीटा से। अभी अभी आपने देखा था ना, वन माइनस कॉस टू थीटा था टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वो टू यहाँ आ गया है। वन प्लस कॉस टू थीटा था टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो टू यहाँ आ गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला एक ही है, उसी को तोड़ मरोड़ कर न्यूमेरिकल आ रहा है बार बार, और एग्जाम में जरूर आते हैं ये, मैंने लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताता हूँ पहला वाला, ठीक है। तो यहां से मैं लाइन खींच देता हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आई टेक। तो देखो मेरे पास है कॉस स्क्वायर ए, तो गाइस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला कहाँ है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला है, वन प्लस कॉस टू थीटा, पैटर्न देखना एंगल डबल हो जाएगा, थीटा है तो टू थीटा अपॉन में टू, तो इसका फॉर्मूला बनेगा वन प्लस कॉस टू ए और होल डिवाइड बाई टू। देख रहे हो एंगल ए था तो टू ए बन गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर साइन होता तो माइनस लगता बीच में, ठीक है, ये वाला अगर सॉल्व करोगे तो माइनस, तो ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ो, इसका लगाओ वन प्लस कॉस टू, मतलब ये ट्वाइस हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा टू ए और टू पाई बाई थ्री, एलसीएम सॉरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी तो बड़ा ध्यान रखना है, होल अपॉन टू। प्लस इसका भी लगाओ वन प्लस कॉस ट्वाइस हो जाएगा इसका भी, तो इट विल बिकम टू ए माइनस टू पाई बाई थ्री, ठीक है, होल डिवाइड बाई टू। चलो जी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप देख रहे हो सबके अपॉन में टू 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 है, तो वन अपॉन टू सब में ले लो कॉमन, होल ब्रैकेट सब में देखो वन है वन है वन है, तो कितने वन हो गए, थ्री। आगे देखो कॉस टू ए मत छेड़ो, कॉस टू ए प्लस टू पाई बाई थ्री लिख लो, कॉस टू ए माइनस टू पाई बाई थ्री लिख लो, यहां तक कोई इश्यू नहीं है, ओके गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो साइन का होता तो यहाँ माइनस 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 होता, ठीक है, तो माइनस हम कॉमन लेके इसे पूरे को एक और ब्रैकेट में रख देते,
तो मैनेज करना तो आपको आना चाहिए ना, 1/2 ये 3, ये cos 2 है एज इट इज प्लस। अब देख रहे हो इसके अंदर सी डी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ये दोनों एक जैसे टर्म लग रहे हैं, सी डी फॉर्मूला cos c प्लस cos d लगा सकते हो ना, cos c प्लस cos d, तो लगाओ इसका सी डी फॉर्मूला, ये c है और ये d है, तो फॉर्मूला लगता है 2 cos, दोनों को ऐड करके आधा, ये c और ये d, जब ये दोनों ऐड होंगे तो देखो 2 पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 कट, 2a और 2a 4a और 4a का हाफ 2a आएगा, फिर cos, अब की बार इसमें से इसे लेस करके आधा, तो जब ये लेस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 2a से 2a कट, 2 पाई और 2 पाई 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 का हाफ 2 पाई बाय 3, ठीक है रीजन, अरे यार 4 पाई बाय 3 का हाफ, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, तो कट करोगे तो 2 पाई बाय 3, यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं है। अब देख रहे हो ये चीज आ गई तोड़ने वाली चीज, है ना, वही एन पाई वाला चक्कर, चेंज होगा नहीं होगा, 2 पाई बाय 3 या 2 पाई बाय 3 को 120 बोल सकते हैं, और 120 आपको तोड़ना आता है 90 प्लस 30, मैंने बहुत बताया ऐसा क्वेश्चन आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में हमें, तो देखो जी ये बनेगा 1/2 3 प्लस cos 2a और 2 cos 2a, नो प्रॉब्लम, तो 2 पाई बाय 3 को बोलते हैं 120, क्योंकि 2 पाई होता है 180, डिवाइड बाय 3 काटेंगे तो 120, 120 को आप लिख दो ऐसे cos 90 प्लस 30, ठीक है, तो बच्चों वाला तरीका यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, डरो मत, डर के आगे जीत है, 2 cos 2a और आपको मालूम है cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, अच्छा माइनस क्यों हो जाता है, अरे 90 प्लस थीटा, 90 का बॉर्डर ये रहा, प्लस होते यहां सेकंड में और सेकंड में cos नेगेटिव, ठीक है, और रेशियो चेंज इसलिए हुई क्योंकि 90 को पाई बाय 2 कहते हैं, अपॉन में 2 होता है तो रेशियो चेंज हो जाती है, याद है एन पाई और एन पाई बाय 2, तो वो चीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो हमेशा याद रखना लाइफ टाइम, 3 ये cos 2a और ये 2 cos 2a, ठीक है जी, और ये माइनस और ये प्लस, यहां लगा दो माइनस, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं और देखिए जी आपका आंसर आने वाला है, इनफैक्ट आ गया, ये 3 है, दिस इज cos 2a, थोड़ी राइटिंग मेरी एंड में ऐसी हो जाती है, तो प्लीज कॉप अप, देखो cos 2a से cos 2a कट गया एंड यू गॉट 3/2 एज योर रिजल्ट, ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है, ये वाला, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे 6 मार्क्स में भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन, तो कोई तोड़ नहीं है, फॉर्मूला वही चल रहा है डबल एंगल, बट उसी को उल्टा सीधा यूज करते जा रहा है, तो आप इन्हें अभी प्रैक्टिस करो गाइस। देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये है 10-20 डिग्री एंड हाफ, 10-45 बाय हाफ, 10-20 डिग्री 30 मिनट या 10 पाई बाय 8, ये क्वेश्चन एक या दो नंबर में एग्जाम में आता है, ठीक है बेटा, ये चारों क्वेश्चन एक ही बात है, ये सब एक ही बात है, एग्जाम में ऐसे जैसे मर्जी आ सकता है, तो यार 10-22 डिग्री की वैल्यू तो हमें नहीं पता होता, 20 डिग्री एंड हाफ की वैल्यू तो हमें नहीं पता होता टेबल में, तो देखो किस तरीके से निकाला जाता है, ध्यान से देखना, एक्स को लेट करो पहले पाई बाय 8, ठीक है, जो भी एंगल है, अगर ऐसा है तो उसे पाई बाय 8 बोल दो, ऐसा है तो भी उसे पाई बाय 8 बोल दो, और ऐसा है तो भी उसे पाई बाय 8 बोल दो, क्योंकि पाई बाय 8 का मतलब 22 डिग्री एंड हाफ ही होता है, 22 एंड हाफ डिग्री होता है, ठीक है, तो याद रखने वाली बात है ये। चलिए अब इसके बाद ना देखो पाई बाय 8 है, तो सोचो किसी ऐसे नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो ताकि ये ऐसा हो जाए कि नोन बन जाए, नोन मतलब टेबल के अंदर वो वैल्यू अवेलेबल हो, तो देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो इट विल बिकम 2x, और जब यहां 2 आएगा तो 2 से 2 कट के इट विल बिकम पाई बाय 4, अब देखो ये नोन बन गया, 45 डिग्री बन गया, है ना, अब आपको चाहिए 10, तो दोनों तरफ 10 चिपका दो, लिख दो 10, ठीक है, वहां ये मत लिख देना 10 चिपकाने पर, तो डोंट यूज द वर्ड चिपकाओ, ओके, अपने आप बिना कुछ लिखे यहां पर 10 लगा दो, अंडरस्टूड होता है ये, ठीक है, हायर एजुकेशन में आ गए अब आप, 10 2x का लगाओ डबल एंगल फॉर्मूला, तो डबल एंगल फॉर्मूला 10 2θ का आपको याद था, 2 10x अपॉन 1 - tan²x, देखो सारे क्वेश्चन में वही आपको चुन चुन के बता रहा हूं, 10-45 कितना होता है 1, ठीक है जी, आगे बढ़ो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 10x ऑलराइट इज इक्वल टू 1 - tan²x, उठा के इधर ले आओ सबको, तो ये हो गया 10²x प्लस का 2 10x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट, ये 10x जो 10²x है ना, ये x की तरह बिहेव कर रहा है, मान के चलो कि ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, लाइक x² प्लस 2x - 1, x का रोल 10x प्ले कर रहा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो इसके होंगी नहीं, तो यहाँ a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है -1, याद है ना जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होते तो d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac,
तो आपका ये कितना है, 4 - 4a1c - 1, ये आ गया आपका 8 प्लस का, तो d पॉजिटिव आता है तो आगे भी बढ़ते हैं, 10th क्लास में याद होगा आपको, नेगेटिव आए तो यही रोक देते, d आ गया जी, अब निकाल दो आप x की वैल्यू, तो x तो यहाँ पे कौन है, 10x है, अरे भाई x होता तो यहाँ x लिखते, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 10x है तो 10x लिखा, तो माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, वैल्यू डालो इसके अंदर, माइनस बी कितना है, माइनस का 2, प्लस माइनस डी कितना है 8, 2 ए कितना है 1, इम्प्लाइज माइनस 2 प्लस माइनस 8 को बोल सकते हैं 2√2 अपॉन में कितना है 2, ठीक है आगे देखो। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा 10x इज इक्वल टू, देख रहे हो 2 कॉमन लोगे तो ये वाला 2 हो जाएगा कट, तो माइनस का 1 प्लस माइनस √2, तो 10x की वैल्यू हमारे पास 2 आई, एक आई माइनस 1 माइनस √2 और एक हमारे पास वैल्यू आई 10x माइनस 1 प्लस √2, ठीक है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो 22.5 डिग्री या पाई बाय 8 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यहाँ भी एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो आंसर होगा नहीं ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये तो आंसर इसका होगा नहीं, तो यहाँ पे तो ये रीजन जस्टिफाइड हो गया कि 10 की वैल्यू प्योर नेगेटिव नहीं आएगी, तो इसका मतलब 10 का आंसर ये वाला है, ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस √2 ये माइनस 1, √2 1 से बड़ा होता है 1 पॉइंट समथिंग राइट, तो इसको ऐसे लिख दो √2 - 1। तो अब आगे से याद रखना 10 x की जगह, x की वैल्यू आपने पाई बाय 8 अज्यूम की थी, तो पाई बाय 8 तो यानी 10 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1 होती है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 or 1 marks राइट। हाँ जी गाइज देखिए, न्यूमेरिकल cos cos माइनस cos cos इज इक्वल टू sin sin लेके आना है, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की याद आएगी, याद है ना प्रीवियस वीडियो में था, बट यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो एक काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, ठीक है दिस इज सॉल्यूशन और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो बाहर 1/2 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये बनेगा 2 cos 2x cos x/2 पूरा एक एक्सप्रेशन बना, यहाँ भी ये बनेगा 2 cos 3x और cos 9x/2 ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है देखो ये 2 अगर कॉमन लूंगा तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी, लगाओ जी फॉर्मूला 2 cos a cos b 2 cos cos, क्या फॉर्मूला था, cos दोनों को ऐड करते थे याद है, cos a + b + cos a - b ये फॉर्मूला था, तो cos a + b 2x और x/2 ऐड होगा, देखो ऐसे 2x में ऐड होगा x/2 तो ऐड होगा, तो LCM 2 2 4 और 1 तो 5x/2 आ जाएगा, ठीक है फिर प्लस cos अब की बार लेस होगा, तो अब की बार मान लो माइनस होगा, तो 2 2 4 में से x गया 3x/2 आ जाएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये पूरा एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखें, मोर ब्रैकेट यू विल यूज लेस मिस्टेक यू विल डू, ओके। यहाँ पर भी cos a cos b का लगाओ फॉर्मूला, cos a + b 3x और ये ऐड होगा, देखो 3x और 9x/2 अगर ऐड होगा तो 2 3 6 15x/2 आ जाएगा, ऐसे प्लस cos अब की बार माइनस, अगर ये माइनस होगा 2 3 6 तो माइनस का 3x/2 आ जाएगा, ठीक है ये ब्रैकेट है, और ये पूरा एक होल ब्रैकेट भी लगा हुआ है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट और यहाँ एंड है, आगे बढ़ो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस अंदर गया माइनस का cos 15x/2 ये माइनस अंदर गया ये माइनस हो गया, cos के अंदर माइनस तो खत्म हो जाता है, cos के अंदर माइनस लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो इस चीज से ये चीज कैंसिल, तो बचा 1/2 cos 5x/2 बचा और cos 15x/2 बचा, अब इजीली लगा दो cd फॉर्मूला, ये c है और ये d है cos c - cos d, तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये c है और ये d है, लगाओ माइनस है बीच में, तो माइनस आएगा 2 sin c + d/2, इन दोनों को ऐड करो 5 और 15 20 20x/2 तो ये है ही, और अपॉन में 2 और आता है डिवाइड वाला, c + d करके ये आया अपॉन में 2, फिर साइन आएगा c - d/2 5 में से ये गया 15 तो माइनस का 10 अपॉन 2 और होल अपॉन 2 तो एक आना ही है, ये फॉर्मूले वाला 2 है, आगे बढ़ो देखो इस 2 से ये वाला 2 तो गया, माइनस का साइन 2 से गया 10 तो बचा 10 और 10 फिर 2 से गया तो 5x बचा, साइन यहां देखो 2 से गया 10 तो बचा 5 और अपॉन में ये वाला 2 जिंदा है अभी, साइन के अंदर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर अटैक करेगा इस नेगेटिव के ऊपर तो प्लस हो जाएगा, देखो जी यू गॉट योर रिजल्ट, ठीक है तो सारा कुछ पुराना है, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी तक। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये,
देखो पाई बाय एट हमें नहीं मालूम, 3 पाई बाय 8 हमें नहीं मालूम, 5 पाई बाय 8 ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टूट सकता है, ब्रेक होके कुछ ऐसा बन सकता है। यानी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दूँ, यानी कॉस 5 पाई बाय 8 को अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 8, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है शायद। देखो 8 पाई में से 3 पाई गया तो 5 पाई आएगा, है ना। एक्चुअली लिंक इनका हमें बनाना पड़ेगा। अब देखो अपॉन में मालूम है ना 2 नहीं है, एन पाई वाला चक्कर, अपॉन में 2 नहीं है तो कॉस का कॉस ही रहेगा। थीटा कितना है 3 पाई बाय 8। क्वाड्रेंट पाई में से माइनस हो रहा है, पाई का बॉर्डर ये वाला है, माइनस हो रहा है सेकेंड, सेकेंड में कॉस नेगेटिव। यानी कहीं पर अगर ऐसा लिखा है तो वहाँ ये लिखा जा सकता है। एक और देखो यहाँ पर बात, एक ये भी हमें कर रहा है डिस्टर्ब, कॉस 7 पाई बाय 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाय 8। देखो एलसीएम 8 पाई में से पाई गया 7 पाई। एक्चुअली मुझे लिंक बनाना है, ऐसे ऐसे बनाने हैं दोनों के दोनों, ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए, ये इसका पर्पज है। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, माइनस क्यों, क्योंकि पाई माइनस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और रेशियो चेंज होनी नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो ओरिजिनली बन के आई वही आई, 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 एज इट इज, और 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 एज इट इज, और यहाँ 1 और ये कॉस पाई बाय 8 की जगह, कॉस 5 पाई बाय 8 की जगह ये लिख दो माइनस कॉस 3 पाई बाय 8, ऑलराइट, और 1 कॉस 7 पाई बाय 8 की जगह लिख दो माइनस कॉस 5 बाय 8। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दोनों ए, ये क्या है ए प्लस बी, ये क्या है ए माइनस बी, तो याद करो फॉर्मूला 10th क्लास वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा, तो इसका देखो स्क्वायर बन जाएगा कुछ ऐसे। ऐसे देखो बीच वाले ये भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, सबको पता है ये वाली बात, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सबको पता है। अब यहां तक तो सब आ गए, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यार साइन पाई बाय 8 तो हमें मालूम ही नहीं होता, पता ही नहीं, तो सोचो साइन स्क्वायर है तो कोई फॉर्मूला ऐसा है जो साइन स्क्वायर का हो, तो अभी अभी आप पूरी वीडियो के अंदर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही देखते आ रहे थे, क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाय 2, है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, याद आया, अरे डबल एंगल फॉर्मूले से जो बने थे, तो ये पाई बाय 8 हटके ना यहां आ जाएगा पाई बाय 8, तो पाई बाय 4 बन जाएगा। देखो यहां थीटा है तो यहां आएगा 2 थीटा, यहाँ पाई बाय 8 है तो यहाँ आएगा 2 × π/8, तो 2 से 8 कटेगा पाई बाय 4, और कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 45, तो वैल्यू नोन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 को ऐसे बोल दो 1 माइनस कॉस और पाई बाय 8 की जगह पाई बाय 4 हो गया और अपॉन में 2 ये रहा, ठीक है। ये आ गया समझ में पाई बाय 4 क्यों हो गया, थीटा पाई बाय 8 है ना, तो यहाँ आएगा कॉस 2 × π/8, 2 से ये कट हो गया। ऐसे इसका भी ये फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस कॉस और 2 थीटा, 2 और 3π/8, 2 से 8 कटेगा तो 3π/4 हो गया, ठीक है, होल अपॉन 2 लगा हुआ है। आगे बढ़ो, ये 2 और ये 2 बाहर होके 1/4 बन गए, 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है 1 माइनस, इसे तोड़ दो, देखो ये 100, ये बन गया आपका कितना 135 डिग्री, 3π 180 होता है, 4 काटोगे तो 135 डिग्री बनेगा, तो 135 को लिख दो 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस 45, ठीक है जी, इस तरह से लिख दो। ये मैंने आपको बहुत बताया है कि ब्रैकेट पूरा बड़ा वाला लगाना, 1/4, 1 माइनस 1/√2, कोई दिक्कत नहीं, 1 cos 90 प्लस थीटा माइनस, तो प्लस हो जाएगा sin 45, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 90 प्लस 90 का मतलब ये बॉर्डर प्लस होते यहाँ, और यहाँ पर कॉस नेगेटिव, एक नेगेटिव पहले से पॉजिटिव हो गया और थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। आगे 1/4, 1 माइनस 1/√2 ब्रैकेट में लगा हुआ है, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है जी, बस हो गया क्वेश्चन, समझ लो सॉल्व, बाहर 1/4, ये देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a और ये a, ये b, ये b, तो हो गया a स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, फर्दर 1/4, 1 में से हाफ गया तो 1/2, फर्दर 1/8, तो ये इसका रिजल्ट, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो के, सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर आरडी वो क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में आते रहते हैं जी। गाइस दो क्वेश्चन आपके सामने और आ गए, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। देखो यहाँ सी डी फॉर्मूला बन सकता है, तो बना दो साइन सी प्लस साइन डी का, 2 sin दोनों को एड करके आधा, 3 और x 4 का आधा 2x हो गया,
फिर कॉस दोनों को लेस करके आधा, थ्री में से एक्स गया टू एक्स का आधा एक्स हो गया, और मल्टीप्लाई में ये साइन एक्स ऐसे ही, ये सारे मल्टीप्लाई में तो है, अगर मैं ऐसे करके लिखूं तब भी तो सारे मल्टीप्लाई में ही माने जाएंगे। इसका लगाओ जी माइनस है तो माइनस आएगा बाहर, और इसका फॉर्मूला टू साइन दोनों को ऐड करके आधा, थ्री और एक फोर का आधा टू एक्स हो गया, फिर साइन लेस करके आधा, थ्री एक्स में से एक्स गया टू एक्स का आधा एक्स हो गया, और ये कॉस एक्स है। ध्यान से देखो पूरा ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट से कट के आंसर क्या आ गया, जीरो। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, है इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, हाँ मजाक कर रहा हूँ, बहुत छोटा है। चलो अगला देखो गाइस, ये भी मेरा क्वेश्चन है, मुझे लेके आना जीरो, तो आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, ऑल राइट, टू कॉस कॉस, और ये क्या है कॉस कॉस। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप इसके अंदर लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, या आप इसके अंदर लगाओ सी डी फॉर्मूला, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम सी डी फॉर्मूला को लगाते हैं, तो टू कॉस पाई बाय 13 को नहीं छेड़ना, कॉस 9 पाई बाय 13 को नहीं छोड़ना। देखो हर बच्चे की अप्रोच अलग हो सकती है टिक्नोमेट्री में, तो ठीक है सारे मेथड सही होते हैं, लेकिन ये कॉस सी ये कॉस डी लगाओ जी इसका फॉर्मूला, टू कॉस दोनों को ऐड करके आधा, थ्री और फाइव एट, एट का आधा फोर, अपॉन में 13 एलसीएम रहेगा, कॉस दोनों को लेस करके आधा, थ्री में से फाइव गया माइनस टू पाई, माइनस टू पाई का आधा पाई, माइनस पाई तो पाई बाय 13, माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, लिख भी दोगे तो वो तो प्लस हो ही जाना है वैसे भी, क्योंकि कॉस में माइनस डाइजेस्ट हो जाता है। पूरे एक्सप्रेशन में देखो कुछ कॉमन आया होगा, तो देखो एक तो टू कॉमन है, एक कॉस पाई बाय 13 कॉमन है, ये माइनस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, मैंने लगा दिया है, बट अगले स्टेप में मैं ऑटोमेटिक हटा दूंगा, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस खत्म हो जाता है। तो यहां बचा जी कॉस 9 पाई बाय 13, ऑल राइट, और यहां बचा कॉस 4 पाई बाय 13, यहां तक तो कोई इशू नहीं है, ये सब कॉमन आ गए। अब फिर दोबारा देखो सी डी फॉर्मूला लगाओ जी, सी डी फॉर्मूला दोबारा लगाओ, कितनी बार भी लगा सकते हो। तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ, टू कॉस दोनों को ऐड करके आधा, तो 9 और 4 13 पाई अपॉन 13, मतलब ऐसे 13 पाई अपॉन 13 और आधा, आधे के लिए 2 और लगाओ, ठीक है। फिर कॉस अब की बार लेस करके 9 में से 4 गया 5 पाई, 5 पाई और ये 13 तो है ही, अपॉन में 2 और लगाओ, ये 2 अपॉन का मतलब है जो फॉर्मूले का पार्ट है। अब बड़े ध्यान से देखना इधर, 2 कॉस पाई बाय 13, ठीक है, अंदर 2 कॉस पाई बाय 2 बचा, देखो ये 13 से 13 कटा, पाई बाय 2 बचा, इधर कॉस ये बचा 5 पाई बाय 26, बड़े ध्यान से देखना, इज इक्वल टू, देख रहे हो इसके अंदर कॉस पाई बाय 2 है, और आपको मालूम है कॉस पाई बाय 2 हमारा क्या होता है, जीरो, कॉस 90 डिग्री हमारा कितना होता है, जीरो। तो यहां पे आप रीजन दो कि कॉस 90 हमारा जीरो होता है, तो जीरो से सारे के सारे जब टकराएंगे मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखो दिस इज द आंसर, तो ये एक तरीका था, ठीक है, दोनों क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं ये। बच्चों देखो आपके सामने चार क्वेश्चन हैं, आपको आंसर लाना है, तो मैं हिंट दे रहा हूं, देखो ये तो तीन तीन वाले हैं, तो याद करो सी डी फॉर्मूला लगाएंगे, पेयर बनाएंगे, साइन 6x पहले लिखना प्लस साइन 2x एक ब्रैकेट, और इसे कर देना साइड में, फिर सी डी फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, ठीक है। यहां भी देखो तीन तीन है, तो इसका पेयर बनाओ इसके साथ, इन दोनों को साथ में लिखो और इसको पीछे कर दो, ऑल राइट, यहां माइनस है तो ध्यान रखना, ऐसे यहां पर भी देखो इनका पेयर बनेगा, तो ऑटोमेटिक सी डी फॉर्मूला लगेगा, कुछ कॉमन आएगा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ये भी इसी के जैसा है, ये साइन 5a को आगे लिखना, इसको पीछे, मतलब दोनों को साथ में लिखना, बड़ा प्लस छोटा, और ये पीछे सी डी फॉर्मूला लगाना, यू विल गेट आंसर, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ मैं आपको, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड आई एम टेकिंग 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला से अभी अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो लगा दो 2 साइन स्क्वायर, और एंगल एक्स है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, साइन एक्स, साइन 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला आपको याद होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन एक्स है तो लगाओ 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, एंगल जो भी होता है हाफ हो जाता है, 2 से 2 कट, साइन से एक साइन कट, तो साइन अपॉन कॉस क्या हुआ 10, तो देखो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पलर का था ये आरडी का है, ये आरडी का है, और ये एनसीईआरटी का है 3.3 का, ठीक है। चलिए हाँ जी गाइस, तो जाते जाते एक कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, देखो साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री साइन 36 कॉस 36 ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, कुछ स्कूलों में, ठीक है। तो टेबल के अंदर तो ये हमारे पास है नहीं, 18 डिग्री को पाई बाय 10 रेडियन बोलते हैं और 36 को पाई बाय 4 बोलते हैं, तो मैंने दोनों बातें लिख दी, तो मैं आपको बता रहा हूँ साइन 18 निकालना, साइन 18 कैसे निकालते हैं ये सीख लो, ओके। तो देखो जी सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, आप एक काम कीजिए एंगल को नाम दे दो 18 डिग्री, ओके, अगर पाई बाय 10 आए तो अभी आप उसे 18 ही लिखना,
अरे अगर ना भी पता चले तो पाई कितना होता है, 180, 180 को जीरो से काटो तो 18 ही तो आएगा, तो ऐसे भी पता लगा सकते हो। अब आप सोचो इस 18 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करो ताकि ये नोन बन जाए, अभी ये 18 अननोन है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x और 18 इंटू 5 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम करो 5 को तोड़ दो 2x प्लस 3x में, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल का यूज होने वाला है, 5x को 2x प्लस 3x बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसे लिख दो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 3x, 3x को उठा के उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए साइन, तो साइन लगाओ दोनों तरफ, साइन चिपका दो, साइन 2x, इधर भी लगाया साइन, 90 माइनस 3x, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2x का लगा दो फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, 2 साइन x cos x, नो प्रॉब्लम। और हर बच्चे को मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, है ना, 90 ये तो 10th में पढ़ाता 90 माइनस थीटा, और ना पता तो कोई दिक्कत नहीं, 90 का मतलब पाई बाई 2, अपॉन में 2 है तो साइन का cos बन जाएगा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, इतना आ गया, ठीक है जी। 2 साइन x cos x एज इट इज, नो प्रॉब्लम, cos x एज इट इज। cos 3x का लगाओ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, तो इसका होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है। ये सारी चीजें उठा के इधर ले आओ या इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, बताता हूँ आपको। देखिए गाइज, मैंने अरेंज करके ऐसे करके लिखा, पूरे में देखो cos क्या है, कॉमन, cos x मैंने लिया कॉमन, यहाँ बचा 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3 माइनस का 2 sin x, ऐसा कुछ बचा, इज इक्वल टू कितना है 0, तो यहां से एक आ गया cos x 0, मैं यहां लिख देता हूँ कि cos x एक 0 आ रहा है, देखो cos x कितना आ रहा है 0, अगर देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी थी, पाई बाय 10 मतलब 18 डिग्री थी, मैं यहां लिख देता हूँ 18 डिग्री, तो cos 18 0 तो होता ही नहीं, क्योंकि cos 0 तो 90 होता है, तो इसे तो कट कर दो, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसको तो हटा दो, दिस इज एलिमिनेटेड, बचा ये। इसमें देखो cos भी है sin भी है, तो पूरे क्वेश्चन को या तो बनाओ sin में या बनाओ cos में, तो sin में तो बन जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर का फॉर्मूला 10th क्लास वाला याद है ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से cos स्क्वायर x निकल के आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो वो लगा दो, तो 4 इसकी जगह लगाओ 1 माइनस sin स्क्वायर x, बड़े आराम से खेलो, 2 sin x इज इक्वल टू कितना आएगा 0, मल्टीप्लाई करो 4 हो गया, ये हो गया 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस 4 sin स्क्वायर x माइनस का 2 sin x, और 4 में से 3 माइनस हुआ तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक कर लो इसे माइनस से डिवाइड करके, तो 4 sin स्क्वायर x प्लस का 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इतना कुछ आ गया, ठीक है। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो नहीं सकते, तो इसमें ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बन गई साइन में, एक याद करो हमने 10 पाई बाई 8 किया था, तो वैसे ही बिहेवियर है इसका, ए कितना है 4, बी कितना है इधर 2, और सी कितना है माइनस 1, ठीक है, तो इसका डी निकालो, डी निकालना आपको आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालो जी, यानी 4 माइनस 4 ए 4 माइनस 1, तो ये आ गया 4 प्लस 16 20 आ गया, डी आ गया 20। अब आगे करते हैं, हाँ जी, तो ए बी सी हमारे ये थे, डी आया 20, अब निकाल दो साइन एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक्चुअली यहां पर x आता है बट पूरे इक्वेशन में खुद ही साइन x है, तो वो x का रोल प्ले कर रहा है, तो साइन x माइनस बी कितना है माइनस का 2 प्लस माइनस डी कितना है 20 अपॉन 2, ए कितना है 4, फर्दर माइनस का 2 प्लस माइनस 20 को बोल सकते हैं 2√5 अपॉन में कितना हो गया 8, 2 कॉमन लो, और यहां भी तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 4, ठीक है गाइस। ये हमारी साइन, x की वैल्यू हमारी कितनी थी, पाई बाय 10 या 18 डिग्री बोल दो, 18 डिग्री थी, 18। अब देखो इसकी दो वैल्यू आई हमारे पास, साइन 18 की हमारे पास दो वैल्यू आई एक्चुअल में, एक वैल्यू हमारे पास आई माइनस 1, यहां लिखता हूं, यह जगह नहीं है, एक वैल्यू हमारे पास आई साइन 18 की माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4, जो कि हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि 18 डिग्री लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। सो इसलिए हमारी साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो आई वो आई माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 बाय 4, ये प्लस, ये बड़ा है ये छोटा है, तो उसको रूट 5 माइनस 1 बाय 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18, तो ये आंसर आया आपका, ठीक है। अच्छा जी, अब पूछ लेता है cos 18, तो अगर cos 18 निकालना है तो साइन 18 निकाल के ना इस फॉर्मूले में रख दो, साइन स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1, तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डालोगे ना यहां पर ब्रैकेट में रख के, तो वहां भेजोगे तो cos 18 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर पूछता है साइन 36, तो साइन 36 अगर पूछे तो उसे ऐसे लिख दो 2 साइन 18 और cos 18, है ना, डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 18 आपके पास ये रिजल्ट है, cos 18 आपके पास यहां से आया था, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो
आपके पास साइन 36 आ जाएगा, ऐसे फिर कॉस 36 भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइज देखो ये आंसर है इनके, तो मेन चीज है आपको साइन 18 निकालना आना चाहिए। देखो जो साइन 18 है ना वही कॉस 36 है, बस प्लस है बीच में, तो याद करने का तरीका। और देखो जो कॉस 18 है ना वही देखो साइन 36 है, बस बीच में माइनस है। तो जैसे मर्जी आप रेलेवेंट बना सकते हैं, बट आपको ये निकालना आना चाहिए मेन, ओके। चलिए ये वीडियो का एंड हो गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रास थे, सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी के अंदर जरूर करें। गाइज प्लीज नोट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक, मेक योर फॉर्मूला लिस्ट, मेक योर क्वेश्चन बैंक लिस्ट, ऑलराइट। डू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर अवेलेबल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।